रानीगंज के ग्लास फैक्ट्री बस्ती में लुधियाना ढाबा के मालिक पाली सिंह गिल के तरफ से 100 लोगों के बीच बांटी गई राशन सामग्री। रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी ने लोगों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया और पाली सिंह गिल द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य की प्रशंसा की। रानीगंज के मंगलपुर से संलग्न ग्लास फैक्ट्री के निकट बस्ती में रहने वाले लोगों के बीच राशन सामग्री बांटी गई। शनिवार की रात नेशनल हाईवे स्थित लुधियाना ढाबा के मालिक पाली सिंह गिल के तरफ से यहां गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच राशन सामग्री वितरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक तापस बैनर्जी ने यहां लगभग 100 लोगों के बीच राशन सामग्री बांटी। राशन सामग्री मिलने से ग्लास फैक्ट्री बस्ती में रहने वाले लोगों के बीच खुशी देखी गई और उन्होंने पाली सिंह गिल के प्रति आभार जताया। विधायक तापस बैनर्जी ने लुधियाना ढाबा के मालिक पाली सिंह गिल द्वारा किए गए सेवा कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि ग्लास फैक्ट्री बस्ती में अधिकांश गरीब तबके के लोग रहते हैं। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन का इन लोगों पर काफी प्रभाव पड़ा है। ऐसे संकट के समय में पाली सिंह गिल ने इन गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है और उनकी सहायता के लिए आगे आए हैं। एक भद्रलोक आज है पाली सिंह बोले लुधियाना ढाबा हाईवे ऊपर एक ढाबार मालिक तो तार पासे ही बस्ती का है ग्लास फैक्ट्री बस्ती एवं पीछे पड़ा मानुषर बास अपना देख रहे সর্বধর্মের অনেক বাঙালি আছে, বাঙালি আছে, মুসলমান আছে, হিন্দু আছে, সব কাস্টের গরিব মানুষ বাস করার যেহেতু পাশে প্রতিবেশীও ভেবেছেন এই লকডাউন সময় ছেলেরা কাজ করতে যেতে পারছে না, তাদের পাশে দাঁড়ানো দরকার। তিনি তাই প্রত্যেক পরিবার আজকে তাদের কিছুদিনের খাবার সামগ্রী ড্রেসিং দিয়া খাবার মানে নিজের অর্থে দিলেন এবং এই অনুষ্ঠানে তাকবাজির অনুরোধ করেছিলেন যেহেতু এই বিধানসভার মধ্যে পড়ে আমার খুব ভালো লাগলো। আমার অল ইন্ডিয়া নিজের অর্থটা আরো ভালো করছেন। इस अवसर पर पाली सिंह गिल, विकी सिंह गिल, सत्य प्रकाश परासर, तेजेंद्र सिंह बल, मलकित सिंह, रंजोत सिंह, ज्योति सिंह और आमरासोता पुलिस फाड़ी के प्रभारी सोमेन बैनर्जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।